राधे राधे सभी को, मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज मैं बनी हूँ लाल परी, कुर्ती रेड, लिपस्टिक रेड, बिंदी रेड, रेड रेड रेड। ये है मेरा शैतान सा बच्चा। चले पापा को परेशान करने शॉप पर चले, घूमने के लिए रेडी हो? ये ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ मैं और गर्वित आ चुके हैं शॉप पर कहीं बाहर जाने के लिए, और ये देखिए मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं अपनी चेयर पर। यहाँ ना हम लोग निकल गए थे घर से, ये अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। गर्वित ना इतना खुश था बहुत ज़्यादा। गर्वित को ना मेरा बहुत ही शौक है घूमने का और हम लोग निकल गए। जैसे कि आप सभी को पता है शिवरात्रि का मौका है, तो ये देखिए जगह जगह पर कांवड़ती कांवड़ लेके जा रहे हैं। ये देखिए जगह जगह ना लोगों ने टेंट लगा कर ना खाने की व्यवस्था भी की हुई है यात्रियों के लिए, कि जो लोग इतनी कांवड़ लेकर मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं उनको खाने पीने के लिए तो चाहिए ना, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए सब लोग आगे बढ़ ही जाते हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी भी है। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर सब लोग कांवड़ ले लेके जा रहे हैं, छोटे बच्चे, आदमी, औरत, सब लोग कितनी मेहनत से इस कांवड़ को लेके जा रहे हैं। और एंड में ना मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही सुंदर कांवड़ जो कि मैंने आज देखी, बहुत ही प्यारी हमारे शिव जी की। तो अब हम जा रहे हैं माता रानी के मंदिर जो कि नगीना का एक बहुत ही खास मंदिर है। ये देखिए ये हमारे मंदिर की रोड है, और यहाँ ना हम लोग जा ही रहे थे तो रास्ते में ना हमें कांवड़ दिखी जा रही थी एक से एक सुंदर कांवड़, और हमारा मंदिर भी आने वाला है, बस हम मंदिर में एंट्री लेने वाले हैं। पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब गाड़ियाँ आने जाने में भी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जाम सा लग रहा है। तो ये कि ये देखिए हमने ना मंदिर में एंट्री ले ली है। ये है हमारी माता रानी का मंदिर जिसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है हमारे यहाँ, और यहाँ ना हम लोग दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ हमारे माता जी के मंदिर के। तो यहाँ पर शुरुआत में ही दुर्गा माता का मंदिर है, मूर्ति है, फिर यहाँ पे कालिका माता के हैं, हमें दर्शन करे, फिर यहाँ पे शिवलिंग है, पूरा परिवार है उनका। यहाँ पे देखिए कांवड़ियों के भी रहने की व्यवस्था की हुई है पूरे मंदिर में ना, और काफ़ी भीड़ वगैरह हो रही है, और काफ़ी मंदिर वाले भी सपोर्ट करते हैं कांवड़ियों को। यहाँ पे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, क्योंकि कांवड़ बहुत दूर दूर से लाते हैं लोग, तो उनको भी आराम की ज़रूरत है। हाँ जी, तो मैं इसी कांवड़ के बारे में आपसे बात कर रही थी जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर कांवड़। ये देखिए कितनी सुंदर कांवड़ है, हमारे मोटेश्वर महादेव के दर्शन करिए, कितना सुंदर हमारे बाबा को सजाया गया है, और कितनी मेहनत से कांवड़ को बनाया है। उनके बाबा के बाद नंदी जी हैं, नंदी जी का देखिए कितना सुंदर है, और ये फिर हमारे बाबा का है मोटेश्वर महादेव, और यहाँ पर शिवलिंग है और सर्प हैं। ये देखिए घंटे वगैरह सब कुछ लगा, कितना सुंदर कांवड़ सजाई है। ये देखिए शिवलिंग, आप लोग भी दर्शन करिए, अपनी विशेष मांगिए, और बाबा की में की मस्ती में धूम मचाइए। ये देखिए कितना सुंदर है सब कुछ, आप लोग ना चौंक जाएंगे क्योंकि इस कांवड़ को उठाने के लिए 35 लोगों की टीम थी। हमने उन लोगों से पूछा, यहाँ ना हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी इस कांवड़ के साथ जो कि मैंने ऐड की है। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करना, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, कमेंट्स करना, थैंक यू। ना हम लोग घर के लिए निकल गए थे, और यहाँ पे रास्ते में भी हमें और कांवड़ मिली, ये वाली कांवड़ भी देखिए कितनी सुंदर है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कांवड़ ले लेके जा रहे हैं लोग, ये देखिए पूरे पूरे शिवलिंग बना रखे हैं कांवड़ पर, और सनसेट भी हो गया था, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। ओके बाय।